छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अच्छा तारा बाबा, ये सब तो ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि कोई फिकर की बात तो नहीं है? बस पैसे की परेशानी है और तो कोई नहीं। पैसे की परेशानी है? क्या मतलब? मेरा मतलब है पैसे को संभाल के रखें, कोई परेशानी नहीं होगी। अरे मेरे पैसे को क्या होगा, मैंने तो बहुत संभाल के रखा हुआ है। कितनी ना समझ है आप, जिनको आप महफूज समझ रही हो, बिल्कुल महफूज नहीं है। ये तो तारा बाबा है जो आपके पैसों को हिसार में रखते हैं। तभी तो मैं आपको मानती हूँ। लाओ फिर मेरी टाइम ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट फीस और फ्यूल चार्जेस भी। जी जी, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। असल में इस दफा ना फ्यूल और फीस के चार्जेस थोड़े से ज्यादा। वो क्यों तारा बाबा? क्योंकि मिर्रीख में भी बड़ी महंगाई होगी। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं तारा बाबा, मेरे होते हुए आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, मैं अभी लेकर आई। सुनिएगा वो अरे भाई, जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। हाँ हेलो, बस हाँ पैसे मिल रहे हैं, बस तैयार रहना तुम, आज रात बलोची कढ़ाई खाने चलेंगे। तारा बाबा किससे बात कर रहे थे आप? उन्हीं से जिनके लिए मैं पैसे ले रहा हूँ आपसे। वो कौन है? कुछ गरीब मिस्कीन लोग, आपसे पैसे लेके उन्हीं को खाना खिलाने ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो ये डाका मार के? क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ जा रहे हो मम्मी जी के पैसे लूट के? लूट के नहीं जा रहा मैं, और मुझे जरा जल्दी मुझे मिर्रीख पे जाना। मिर्रीख? ओ भाई ये मंजन वहाँ बेचना जहाँ बिकता है। और बहुत अच्छी तरह पता है मैं कराची के कौन से इलाके को तुम मिर्रीख कहते हो। हो गया अब मैं जाऊँ? अरे रुको। अरे यार तो तुम्हें कितना कहा यार, आज तो बता जाओ कोई अच्छी सी तरकीब यार, के इज्जत से पैसे लूटे कैसे जाते हैं। इज्जत से पैसा? भाई इज्जत से पैसा अगर कमाना आसान होता तो क्या ही बात थी। आज तो तुम कोई तरकीब बता कर ही जाओगे, वरना आज मिर्रीख पर पहली लाश दफन होगी। होगी। एक मिनट, मेरे पास एक मंत्र है। मंत्र जंतर ये भाई हमें नहीं आता भाई, ये अब तो मुझे कौन सा आता है? तो फिर खुद कैसे करते हो? अबे ये क्या भाई? ये रूह बुलाने का मंत्र। अबे यार हम पैसे की बात कर रहे हैं यार, ये रूह बुलाने की बात कर रहा है यार। एक दफा बस रूह को बुला लो, फिर जो दिल करे काम ले लो। अच्छा कोई ईमानदार की रूह आ गई तो ना पैसे खुद कमाएगा ना हमें कमा के देगा। अरे ससुर जी आप चुप करें, मुझे इनका मशवरा पहली बार अच्छा लग रहा है। एक बात बताओ काम करेगा? पता नहीं, मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये गारंटी है असली। लेकिन जब तुमने ही नहीं किया यार, इसका आजमाया नहीं, तो हम कैसे करेंगे यार? सारी तरकीब इस पे लिखी हुई है, उसको पढ़ते जाए और अमल करते जाए। अच्छा भाई मुझे जाना जरा मिर्रीख बलोची कढ़ाई, मेरा मतलब है मिर्रीख पे मेरे कुछ दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ओके मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये ले। क्या मंत्र? तो मैं क्यों लूं? अमल कर इस पे, अमल कर। अरे असली है ना ये वन। लड्डू लग रहा है लूडो का मुकाबला होने वाला है यार। अरे नहीं ससुर जी, मैंने देखा है फिल्मों में, ये शतरंज है। तो क्या अब क्या करें यार? बैठे और शुरू करें? नहीं मैं अकेला नहीं बैठूंगा। अरे बैठे तो सही। आपको डर लग रहा है? नहीं, घबराहट हो रही है ये लड्डू। घबराने की जरूरत नहीं है ससुर जी, मैं यहीं आपके पास बैठा हूँ, आप वो जनंतर मनंतर शुरू करें ना। जनंतर मनंतर? हाँ अरे जो तारा पापा ने पर्चा दिया था। जनंतर वो तो मेरे पास है, जनंतर मनंतर। एक मिनट ससुर जी, मुझे याद आया मैंने फिल्मों में देखा है, जब रू आती है ना तो खिड़कियां दरवाजे बजने लगते हैं। क्या कह रहा है? और जो लाइट होती है वो यूं ही करती है। नहीं नहीं, और ये सब खुद ब खुद चलना शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है यार? हाँ। तो यार मुझे डरा रहा है यार, ऐसा नहीं कर यार। पैसे आएंगे, शुरू करें। हाँ जनंतर मनंतर। म्याऊं म्याऊं जऊं जबरदन्न टपक शेरी के मटके में। ट्रिंग, ट्रिंग, ट्रिंग। ससुर जी आपका फोन बज रहा है। ओ हाँ हाँ वो मैं ट्रिंग, ट्रिंग, हाँ हाँ। अरे यार यार फोन मैं समझ रहा हूँ, ये ट्रिंग, ट्रिंग।
हेलो सलामकुम बेगम, सलामकुम बेगम, सलामकुम। नहीं नहीं नाराज नहीं है बेगम, मैं जा रहा हूँ सौदा लेने जा रहा हूँ मैं अभी, बस 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 ये गया और सौदा लेके भी आया बस। वाह बेगम नाराज है, जा रहा हूँ बस, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ये ले भाई लड्डू, रूह के आने से पहले बदरू का फोन आ गया। लगता है मम्मी जी का फोन आ गया। हाँ यार पहले सौदा ले आए वरना ये बदरू हमें छोड़ेगी नहीं। चलो भाई सारे काम निमट गए, अब अपना काम करते हैं शुरू। अरे ससुर जी बस आप शुरू करें। फिर भी मैं ही शुरू करूं? हाँ आप बड़े हैं बुजुर्ग हैं करें। बुजुर्ग इससे पहले मेरी बुजुर्गी कभी नजर नहीं आई आपको? अरे ससुर जी वो कहते ना इंसान जहाँ से जागता है सवेरा वहीं से होता है, तो आपने भी तो आज से पहले बुजुर्गी वाली कोई हरकत की नहीं है, इसलिए शुरू हो जाए। अबे ये फलसफियों जैसी गुफ्तगू कैसे कर रहा भाई, आज से पहले आपने कभी ऐसी हरकत भी तो नहीं की है ना। हाँ यार ये बात तो है, हाँ ये सही कहा। तो चले इंतजार किस बात का है, शुरू करें। हाँ हाँ ठीक है। लड्डू यहाँ से जाना नहीं कहीं यार, यही बैठा रही यार। अरे ससुर जी मैं यही बैठा हूँ आपके पास, शुरू करें मंत्र पढ़े। हाँ बस यही बैठा। यार ये अब कौन आ गया यार, मैं देखता हूँ इसकी। तो लीजिए ये भूत आया। क्या चक्कर है भाई भूत भूत का है? कोई चक्कर नहीं है भाई, क्या काम है, क्यों आया भाई तुम? अरे कुछ नहीं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मुलाकात हो जाएगी, जरा चाय वाय पी लेंगे। अबे भाई मसरूफ है यार अपने काम में, चले तुम देख लो जाते हैं, चलो अपना काम करो यार। अरे आप मसरूफ है भाई, स्कुर्रे अर्श का बहुत भोंडा मजाक था ये, और स्कुर्रे अर्श के सबसे भोंडे इंसान ने ये मजाक किया। चलो भाई बहुत हो गया ड्रामा, चलो उठो शाबाश। अरे चाय वाय आ जाओ मैं पिलाता हूं, रिफ्रेशमेंट। अरे आ जाओ मैं पिला रहा हूं। अरे देखो अरे आओ तो चलो। अरे चलो तो सही, प्यारे मियां ये लो। ओह शुक्र है जान छुटी। ये पता नहीं कहां से आ गई ससुर जी, शुरू करें। यार बता यार, रूह बुला रही थी, भूत आ गया। अरे ससुर जी छोड़े ना, जाने दे आप शुरू करें। यार जानवर चेंज कर दे इसमें, म्याऊं म्याऊं के बजाय कुछ और कर लो। अरे मंत्र पढ़ो कुछ होने वाला था। अरे यार अब क्या मुसीबत है, अब कौन आ गया? ये यकीनन प्यारे मियां होंगे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ। वहीं से भगा दीजो, वहीं से भगा दीजो उसको। लो जी अब ये कह रही है इनको इनको किसी ने बुलाया क्या? हाँ ये कह रही है इनको यहाँ किसी ने बुलाया है। तानी बेगम तो है नहीं घर में। तो हनी ने बुलाया होगा, मैं भी हनी से पूछ लेता हूँ। हनी 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 क्या हो गया लड्डू, क्यों चिल्ला रहे हो? हनी तुमने इनको यहाँ पे बुलाया? अब नहीं तो अब जी बताइए क्या काम है आपको? मुझे यहाँ से किसी ने बुलाया है। अब हाँ तो आप इससे आगे भी तो बोलिए ना कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, क्या काम है, किससे मिलने के लिए आई हैं? मुझे शादी करनी है, मेरे पास बहुत दौलत है, सब कुछ है, बस एक जीवन साथी की कमी है। अच्छा इसका मतलब है आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रिश्ता ढूंढे, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और जब तक मुझे मेरा मन पसंद जीवन साथी नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, कह रही हूँ। और हाँ कान खोल के सुन लो, और जो शख्स मेरे मन पसंद इंसान से मेरी शादी करवाएगा ना उसे मैं माला माल कर दूंगी। अरे तो ढूंढ देंगे ढूंढ देंगे। फिक्र नहीं, कोई मसला नहीं है, मसला ही नहीं है कोई। वो सब तो ठीक है मगर आपको भेजा किसने है? अरे छोड़ो ना तुम, क्या हो गया तुमको? हनी अगर किसी का काम हो जाएगा तो कौन सी बुरी बात है, ये तो नेक काम है ना। हाँ सही बात है सही बात है, ससुर जी कह रहे हैं नेकी का काम है, नेकी का काम है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, एक काम कीजिए आप दोनों उसकी मदद कीजिए, मैं तो जा रही हूँ मेरे पास बहुत काम है। हाँ हम करा देंगे। हाँ कर देंगे, आपकी शादी हो जाएगी। लड्डू देखो तुम्हें कोई काम याद आ जाएगा शायद, कोई काम तो नहीं है तुम्हें? मंत्र पढ़ना है, शादी करनी है। अच्छा मैं आता हूँ। हाँ
अबे भैया, अरे भैया, अरे ससुर जी कुछ सुना आपने? मालदार पार्टी है। अबे मालूम है, मैंने सुना है यार, और आए भी रिश्ते के लिए है। तो फिर क्या करना है इनका? अरे इसका रिश्ता करवाना है, और बगैर रिश्ते के तो जाने ही नहीं देना इसको यहाँ से। तो बस ठीक है, फिर काम शुरू करें। अरे काम करता हूँ, मैं रहता हूँ इसके साथ, तुम किसी से भी इसको मिलवा। ठीक है। चार, चार, नोट भी गिनने नोट। अबे मैं किस बात जाऊँ? किस किस्म का रिश्ता दरकार है आपको? मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो अधेड़ उम्र का हो। अधेड़ उम्र? तो समझ ले। ससुर जी, ससुर जी, ये रिश्ता है, चेक करें। अबे इतना तेज काम है, आप बात कीजिए इनसे। नहीं, ये इसका तो, ये तो लिफाफा ही खाली है। नहीं नहीं, ये नहीं मुझे चाहिए, कुछ और ला कर दे। ये नहीं मुझे चाहिए, नहीं, इनको अच्छा सा रिश्ता दिखाए। आप इनको जो बातें करनी आप कर लेते हैं, आप चाहे तो इनकी दाढ़ भी चेक कर ले। हंस के दिखा। मुझे इनकार है, इनकार है, खाली लिफाफे से इनकार है। चले ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो भाई, रिजेक्ट हो गया। चलो जाओ, भागो यहाँ से। जिसकी भी नजर, आज जिसकी नजर भी मुझ पे पड़ती है ना, फिर वो कोई अच्छा नहीं लगता उसको। यार वो उस औरत के चक्कर में मेरा ये काम तो रह गया यार। लड्डू ससुर जी, वो काम मैं देख रहा हूँ, ये काम तो आप देखे। नहीं यार, नहीं नहीं भाई, नहीं, मैं अकेला ये नहीं देख सकता भाई सब कुछ। हाँ अरे ससुर जी, अब कुछ तो करें ना, मैं एक वक्त में दो काम एक साथ तो नहीं कर सकता। हाँ ये तो है, चलो मैं हिम्मत करता हूँ, हिम्मत करता हूँ मैं। और मैं बाहर जाकर उस औरत के रिश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको। ठीक है, कोई काम है आपको? आप क्या काम कर रहे हैं? वो मैं असल में, आप बाहर जाके बैठे ना। नहीं, मुझे अकेले बैठना पसंद नहीं है, आप ही साथ चल के बैठे ना। देखिए बात यह है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैं यही पूछ रही ना कि आप काम क्या कर रहे हैं? काम अच्छा, चले 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 चले, मैं आपके साथ चल रहा हूँ बाहर बैठने। तो चले चले यार, यार नहीं चले, आगे देखें, बहुत हैं बहुत हैं। ये देख, ये तो पसंद आएगा आप। नहीं ये भी नहीं अच्छा, रख दे इसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे यार, ये यार मैं आ गया। अबे यार अच्छा वाला लड्डू आ गया यार। अबे यार कोई रिश्ते वाली तस्वीर पसंद नहीं आ रही है यार। अरे ससुर जी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने बाहर रिश्तों की लाइन लगा दी है, एक एक करके सबको दिखाऊंगा, लंबे से लेके छोटे तक सारे रिश्ते मौजूद है मेरे पास। क्या कह रहा है यार? अरे भाई क्या यार, ये किटिंग चेक करें आप। ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है, इसी से करा दूं? ये तो पसंद आएगा भाई, ये पसंद आएगा। इसको भी ले जाओ। चल 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 चल, तू जब भी ले जाओ इसको भी। अरे ये अबे ले जा, फिट जाएगा ये, फिट जाएगा, ले जा। चल 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 चल, सारे पागल मेरे लिए रह गए। तो यार देखिए एक बात सुनिए, ये खुद के पागल है। नहीं एक मेरी बात सुने। देखिए खातून, ऐसे बात नहीं बनेगी, अधेड़ उम्र के साथ और कोई खुसूसियात बताए ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ससुर जी, जैसे लंबा चाहिए कि छोटा चाहिए, गोरा चाहिए कि काला चाहिए, मोटा चाहिए कि दुबला चाहिए, कुछ तो बताइए। वो गंजा होना चाहिए। गंजा चलेगा? लड्डू गंजा ससुर जी, गंजा। ये देखे, ये आपकी पसंद का दूल्हा आ गया भाई। ये देखिए आ गया। अरे लड्डू ये चाहिए, यही चाहिए, लड्डू पसंद आ गया। आ जा, उठ जा, लेके आते आप, देखिएगा हम लेके आते हैं। ये लड्डू ने कैसे चाय बनाई है, बिल्कुल काले से, हम नहीं पी रहे भाई, तुम ही पी लो। अरे तुमने मेरे भाई की तस्वीर दिखाई? हाँ दिखाई, मगर उस बुड्ढे को तो किसी बुड्ढे से शादी करनी है। ऐसा क्यों करना चाहती हैं? लोग तो जवान लोगों से शादी करते हैं। अब मुझे क्या पता, एक काम करो तुम खुद ही जाओ, जाकर से पूछ लो। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं। क्यों
मरने वाली हो? अरे भाई मुझे और भी काम है, अगर इतने नखरे दिखा रही हैं तो मेरे भाई को भी रिश्तों की कमी नहीं है, वैसे भी लोग लाइन लगा के खड़े हैं। हाँ तो कर दो ना, तुम क्यों इस बुड्ढी के पीछे पड़ी हो? अरे समझो ना, मालदार पार्टी है ना इसलिए। अच्छा इसीलिए वो औरत भी किसी बुड्ढे को ही ढूंढ रही है ताकि वो बुड्ढे जल्दी से मर जाए और उसके पैसे पे ऐश करे, है ना जी? खबरदार खबरदार, तुम लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। मैं पहले अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हो और फिर खुद मिलने आ जाते हो। प्यारे मियां गलती हो गई, माफ कर। अरे प्यारे मियां, मेरे बहुत प्यारे, बल्कि बहुत 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 प्यारे मियां, आपके फायदे की बात लेकर आए। फायदा? और तुम लोगों से बहुत नई बात की तुमने। प्यारे मियां, अगर इस वक्त तुम हमारे काम के ना होते ना तो यकीन मानो तुम्हारा नाम रूमीन में लिखवा चुका होता। धमकी नहीं यार, धमकी दे दी इसकी तरफ से, मैं माफी मांगता हूँ। बस बात लड्डू बात कर, बता बात। क्या बात है? हमें क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ना भाई ना, शादी और तीसरी ना बाबा ना। मैं समझा कर भाई, बहुत पैसे वाली पार्टी है यार। मेरे पास पैसे बहुत है भाई, मुझे माफ कर दो, बहुत पैसे है मेरे पास। हम मिस्कीन का ही थोड़ा ख्याल कर लो भाई। वैसे भी इस्लाम में 4 शादियां जायज है। अच्छा यार, कह तो तुम लोग ठीक रहे हो, ठीक है, लगता है तुम लोग मुझे पक्का मुसलमान करके छोड़ोगे। अच्छी बात है ना ये तो यार। यार पर मुझे दिखाओ तो सही, खातून कैसी है, दुल्हन कैसी है, लड़की कैसी है? अरे लड़की हम आपको निकाह के वक्त पे दिखा देंगे। हा? बस अभी आप जाके जल्दी से दूल्हा बन के तैयार होके आ जाओ। चलिए अरे काम करना, किसी को बताना नहीं यार। अबे नहीं नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, दुल्हन को भी पता नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि बेफिक्र रहो, किसी को नहीं बताएंगे हम यार। ठीक है, जरा फैशल वैशल करवा के आ जाओ। फैशल क्यों? समझा करो ना यार, उम्र थोड़ी और कम लगेगी ना। मुबारक हो खातून, लड़का मान गया है। लड़का? अरे बुड्ढा बोले बुड्ढा, किसी भी वक्त आता होगा, इन्हें तैयार करवाएं। मेरी एक शर्त है। क्या हो गया भाई? निकाह से पहले ना मैं घूंघट में ही रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताए पहले मुझे कि तैयार कौन करेगा? अरे आपका मसला अभी हल किए देता हूँ, देखिए। हनी हनी हनी, क्या हो गया लड्डू? हनी जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? आपको मिल गया रिश्ता? हाँ हाँ भाई, रिश्ता हो गया, अभी निकाह है इनका। इतनी जल्दी निकाह? हाँ क्योंकि इनको बहुत जल्दी है। जल्दी नहीं, बस समझ लो कि रात हो ही जाएगी, निकाह होते होते थोड़ी देर तो रह गई रात होने में। मगर फिर भी इतनी जल्दी? बस तुम तैयार कर दो इनको बहुत अच्छा सा। और हाँ एक बात ये कि इनका घूंघट जरूर निकालना। अच्छा बस आप छोड़े ना, जल्दी से मुझे अंदर लेके चले, मैंने घूंघट भी तो निकालना है ना। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, उठिए और चलिए मेरे साथ, मैं करती हूँ आपको तैयार। आ जाए। चल चल चल, मैं आ रही। भाई भाई इस उम्र में भी बड़ी मशीन की है घूंघट डाल के। वाह 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 ये बताओ लग रहा हूँ ना न्यू ब्रांड दूल्हा। ये जो ब्रांड न्यू दूल्हा का तो नहीं पता, रिकंडीशन दूल्हा जरूर लग रहा है। यार आज तो मेरा निकाह है, कम से कम आज तो मेरी इज्जत कर लो। अबे निकाह है, कोई तदफीन नहीं हो रही तुम्हारे जो तुम्हारी इज्जत करे। चलो भाई शुरू करो यार, शुरू करो शुरू करो। काजी कहाँ है? काजी काजी हाँ, लड्डू काजी कहाँ है? हाँ वो रास्ते में आता ही होगा, रास्ते में है, दो तीन निकाह पड़ा था वो आएगा ना। नहीं भाई नहीं, नहीं उठाओ घूंघट भाई उसका। नहीं क्या बात है, मना कर रही थी, बोर्ड उठाऊंगा मैं भाई। बहुत हो गए, मैं घूंघट उठा रहा हूँ भाई। भाई मेरी बात सुन लो पहले। मैं देखो बगैर देखे मैंने रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन बगैर देखे मैं निकाह नहीं करूंगा। हाँ ये मेरा हक है, घूंघट तो मैं उठाऊंगा मैं। अब वो मना कर रही है ना तो मत नहीं उठाना यार, ये देखो यार। नहीं भाई नहीं, कोई गाना मारा तो गाओ। कोई
गाना भी याद नहीं आ रही है। प्यारे मियाँ लॉटरी निकल गई तेरी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अबे खूबसूरत है ना? दुल्हन खूबसूरत है ना? लगता है इनको दुल्हन का मेकअप पसंद नहीं आया। लड्डू मेकअप बहुत अच्छा है। ओ भाई क्या हो गया यार? ये मेरी बीवी है जिसे 10 साल हो गए मर गई है। तुम लोग रूह बुला रहे थे ना, तो मैं आ गई। मैं प्यारे के घर के बाहर चक्कर लगा रही थी और तुम लोगों ने मुझे अंदर बुला लिया। और अब मैं इस प्यारे के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, इसका ना बैंड बजा के रहूंगी। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां के घर का मां, घर का मां के घर का मां।